बताया श्री कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था द्वारा संचालित MK SSS वोकेशनल सेंटर द्वारा बाजार हाट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन हस्तकला विभाग के सहायक निदेशक अवधेश ठाकुर के हाथों संपन्न हुआ। महर्षि कर्वे द्वारा 127 साल पहले महिला सक्षमीकरण के उद्देश्य से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था की स्थापना चार विधवा महिलाओं को सम्मिलित करते हुए की थी। उसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए MK SSS वोकेशनल प्रशिक्षण सेंटर, स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आदि संस्थाएं कार्यरत है। उसी उद्देश्य से दिवाली के पावन अवसर पर बाजार हाट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस समय उद्घाटक अवधेश ठाकुर समेत गोविंद राठी, साथ ही साथ स्थानीय प्रबंधक समिति सदस्य सुरेखा सराफ, श्रीकांत चितड़े स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की प्राचार्य कृपा सावलानी, सीताबाई नरगुनकर महिला नर्सिंग विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रूपा वर्मा एवं MK SSS वोकेशनल सेंटर नागपुर समन्वयक अश्विनी बुजानी आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिन्हें वह किफायती दामों में बेच रही थी ताकि भविष्य में उन्हें व्यवसाय की प्रेरणा मिल सके। इस प्रदर्शनी में विभिन्न सज्जाशील वस्तुओं के स्टॉल के साथ ही साथ खाने की चीजें और हैंडलूम वस्त्रों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। मेरा नाम अश्विनी बुजोने है और मैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हमारे यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा बाजार हाट नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें दिवाली की भेंट वस्तुएं स्टूडेंट्स ने बनाई हैं और यही हम अलग अलग व्यवसायभिमुख प्रशिक्षण वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा यहाँ पर सिखाते हैं। 10 स्टॉल्स लगे हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, कपड़ों से रिलेटेड है, कुछ गिफ्ट आर्टिकल्स है, दिए हैं, लैंटर्न्स है, बहुत सारे प्रकार के। ये अभी हमारा पहला प्रयास है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी अभी नया नया मतलब खड़ा हो रहा है इस पर, तो ये हमारा पहला प्रयास है और करेंगे हर साल। ये महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था के नाम से जाने जाते हैं। भारत रत्न धोंडो केशव कर्वे ने ये संस्था 127 साल पहले स्थापन की है महिलाओं के लिए प्रॉपरली। महिला अबला नहीं रहना चाहिए, महिला सबला कैसी बन सकती है, ये उन्होंने चार विधवाओं को लेके पूना में हिंगना से शुरुआत की है इस संस्था की। तभी से ये सब संस्था चल रही है और मैं यहाँ की मैनेजमेंट मेंबर हूँ, सुरेखा सराफ। हाँ, आज का ये आयोजन है, ये दिवाली के त्यौहार अभी आगे आने वाला है, इसी त्यौहार के लेके हमने हमारे स्टूडेंट को ये इसका नॉलेज होना चाहिए। ये तो एक प्रोफेशन का भाग हो गया है कि उनको मार्केटिंग का ये होना चाहिए, खुद का बिजनेस उन्होंने करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है और वो ट्रेनिंग का जो भाग रहता है वो यहाँ पे हमने प्रदर्शनी के रूप से यहाँ पे लगा दिया है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।